हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। ये हमारी जो आज की वर्कशीट है कार्यपत्र 11, और ये कौन सी कक्षा के लिए? 6th क्लास के बच्चों के लिए, और विज्ञान की हमारी ये आज की कार्यपत्रक है। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है पौधों को जानिए। अब हम आज हम क्या है, तने के बारे में पढ़ेंगे। तना क्या होता है? जो मिट्टी के ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तना। ये जो हमें पत्ता दिख रहा है तना, ठीक है। तो आज हम तने के बारे में पढ़ेंगे। तना पौधों का वह भाग है जो ज़मीन के ऊपर रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कौन सा भाग है जो ज़मीन के ऊपर रहता है, जैसे ये क्या है, ये तना है। प्राय यह हरे रंग का होता है, ये अधिकतर क्या है, हरे रंग का होता है। ज़्यादातर पौधों में यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होता है। क्या होता है? ये ऊपर की ओर होता है, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। और इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। उसमें क्या क्या होती हैं? देखो, शाखाएं, जैसे ये शाखाएं निकली होती हैं बहुत सारी, इसमें पत्तियां होती हैं, ये रही पत्तियां, इसमें फूल होते हैं, ठीक है। और इसमें कलियां होती हैं। कलियां मीन्स जो अभी तो फूल नहीं बना है उसको बोलते हैं कलियां। तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियाँ निकलती है उसे पर्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्व संधि। कौन सा भाग? जहाँ से क्या है, पत्तियाँ, जैसे यहाँ से क्या है, पत्ती निकली है, तो इसको बोलेंगे हम पर्व संधि कहते हैं। इसको नोट भी बोलते हैं इंग्लिश में। और इन दोनों पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व कहते हैं। जैसे हमारी, ये हमारा पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर हमारी पत्ती निकली है, यहाँ पर पत्ती निकली है, इसको क्या क्या बोलेंगे हम? पर्व संधि। क्या बोलेंगे? पर्व संधि। और इसको भी पर्व संधि बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या है, पत्ती निकली हुई है, ठीक है, पर्व संधि। मैं ऐसे लिख रही हूँ। और इसके दो पर्व संधि के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं हम? पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्व। इसको इंग्लिश में इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, दिए गए चित्र में दिखाए गए पौधे को देखिए और उसके विभिन्न भागों को नोट कीजिए। यदि आपको घर में गमले में कोई पौधा लगा हुआ है तो उसके तने की पहचान करके प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आपके आपके पास कोई लगा हुआ है तो उसके तने देखिए कैसा है, ठीक है। अब क्या है, तने के कार्य हम पढ़ते हैं। तने के क्या क्या कार्य हो सकते हैं? पौधे को सीधा खड़ा करने में सहायक होता है। पहला तो इसका क्या क्या इसका काम है, पौधे को ही सीधा खड़ा करता है। दूसरा, इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती है, हमने यहाँ पे देखा। पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधों से अन्य भागों तक कौन पहुँचाता है? ये भी तना पहुँचाता है। भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में कौन पहुँचाता है? तना पहुँचाता है। कुछ पौधों के तने पौधों के लिए भोजन बनाते, जैसे नागफनी, ठीक है। तो हम क्या है, पौधों के जो है तने भी क्या है, भोजन बनाते, जैसे नागफनी में, कैक्टस में वो ये काम करते हैं खाना बनाने का। तो हमारे क्या है, ये हमारे तने के कार्य हैं। अब हमारा एक हमारा क्या नीचे एक एक्सपेरिमेंट दिखा है कि रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया, ये वाला, ठीक है। उसने उसके तने को आधार से काट दिया, मतलब एक फूल लिया उसके आधार से, मतलब नीचे से काट दिया उसको, और एक गिलास में रख दिया। जैसे आपको गिलास में रखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें नीली शाई वाले पानी में रख दिया उसको। एक दिन उसको क्या है, एक दिन के लिए उसने छोड़ दिया। तो उसको क्या मिल दिखाई दिया अगले दिन, उसे क्या मिला कि अगले दिन उसने पाया कि पौधों के सफ़ेद फूल की पंखुड़ियाँ पर नीले रंग के निशान आ गए। अब जैसे आप देख रहे हो क्या है, पीले वो नीले रंग के क्या है, निशान आ गए, ठीक है। अब हमें बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है। अब हमें क्या है, इसका आंसर देना है। बच्चे मेरे साथ साथ लिखना, क्योंकि जगह छोटी है, हम इसका आंसर देंगे। क्या देंगे इसका आंसर, कि ये तने के द्वारा, अब हम क्या लिखेंगे, ये ऐसा क्यों हुआ है हम लिखेंगे। हमने क्या सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसा तने के द्वारा ऐसा तने के द्वारा रंगीन पानी कौन सा लिया, रंगीन पानी नीला, रंगीन पानी, ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख देंगे नीला। बच्चे मेरे साथ साथ लिखना, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत छोटी है, ठीक है ना। ऐसा तने के द्वारा रंगीन पानी, जो रंगीन पानी कौन सा, नीला के, अब मिटा देती हूँ, के संचालन, ठीक है, संचालन के कारण हुआ। संचालन मतलब उसके पहुँचने के, संचालन के कारण हुआ, ठीक है, के कारण हुआ। और हम ये भी आगे ये भी लिख सकते हैं कि और ये संचालन तने में उपस्थित, और ये संचालन, इतना लिख दिया हम, मिटा दिया, संचालन
तने में उपस्थित संकरी नलिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार मैं क्वेश्चन बच्चों आपको सुना रही हूँ, अगर आपने नहीं लिख पाए तो सुन के लिख लेना। क्या कि ऐसा तने के द्वारा रंगीन पानी के ब्रैकेट में आप लिखेंगे नीला, के संचालन के कारण होता है। ठीक है, और ये संचालन तने में उपस्थित संकरी नलिकाओं के द्वारा होता है, कि जो तने में जो संकरी नलिकाएँ पतली नलिकाएँ उनके कारण ये होता है। आप यहाँ से या अपने आप भी आप बना के लिख सकते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम कि तना जड़ों से पानी का संचालन करता है। पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने में ऊपर चलते हैं। जो पानी में जो घुले हुए खनिज होते हैं वो तने के साथ साथ क्या ऊपर चलते हैं। तने में संकरी नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से पानी और उसमें घुले लवण जड़ों से पत्तियों तक और विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं, जो हमने अभी बताया आपको। आप अपना रीज़न अपने आप भी लिख सकते हैं। अब आते हैं बच्चों हम अपने क्वेश्चन पे कि पानी का संचालन डैश के माध्यम से होता है जो कि पौधे के तने में मौजूद होता है। हम क्या लिखेंगे, पानी का संचालन संकरी नलिकाओं के माध्यम से होता है जो कि पौधे के तने में उपस्थित होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे संकरी नलिकाओं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन क्या है दूसरा कि तना पौधों में पानी और खनिज का क्या आएगा, पानी और खनिज का संचालन करता है जो कि पानी में घुला होता है। क्या लिखेंगे आप, पानी और खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बी कि सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा गिलास से रंगीन पानी का प्रवाहित करना था। हाँ कि नहीं, हाँ, क्योंकि हमने क्वेश्चन में भी ये बताया कि किसके द्वारा हुआ, संकरी नलिकाओं द्वारा जो किसमें उपस्थित होती है वो तने में। ठीक है, अब क्या है तने के दो कार्य आप यहाँ से लिख लेना जो आपको अच्छे लगे। ठीक है, यहाँ पांच कार्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आप जितना लिखेंगे आपको उतना याद होएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी बेटा आज की वर्कशीट है। अगर बेटा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, यह आपकी तरफ से हमारे लिए हेल्प और साथ में गुरु दक्षिणा भी होगी। ठीक है बच्चों, और हमें कहीं ये भी याद रखना है, हमारा जो संदेश है कि हमें शारीरिक दूरी का हमें ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि कोविड चल रहा है। ठीक है ना, उससे हमें जीतना है तो हमें ध्यान रखना है अपना, और हम जीत के रहेंगे। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, अच्छी लगी हो तो लाइक बेटा लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे ना हमें क्या है मोटिवेशन मिलती है कि आप हमारा देख रहे हैं और इतना हमें सराह रहे हैं। चलो बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उसको सराह रहे हैं। इतनी ऐसे ही देखते रहिएगा बच्चे, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिएगा बच्चे, और हंसते रहिएगा। बाय बच्चों।